नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया सोनेट HTK वेरिएंट के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वेरिएंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा देखने के बाद अच्छी लगे तो। तो गाइज आइए बात कर लेते हैं इस वेरिएंट के बारे में। तो ये सेकंड बेस वेरिएंट है किया सोनेट का, जो कि आपको पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर मिल जाता है और HTK वेरिएंट इसको बोलते हैं। बात करते हैं अगर जो फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको इसके अंदर किया का लोगो इसके अंदर मिलने वाला है आपको। दूसरा बात करते हैं इसमें आपको जो हेडलैम्प है ये हेलोजन मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, वो भी हेलोजन है। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप नहीं मिलते बट कंसोल ज़रूर मिलता है, टोइंग हुक के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। बात करते हैं ये जो देख सकते हैं टाइगर नोज ग्रिल है, ये किया की सिग्नेचर ग्रिल होती है और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैट फिनिश इसके अंदर मिलेगा, ये सिल्वर फिनिश के साथ मिलने वाला है आपको। और नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, काफ़ी बड़ा एयर डैम इसके अंदर आपको मिलता है। और ये थी बात कुछ फ्रंट की। फ्रंट के बाद आप बात कर लेते हैं साइड की। तो साइड में आपको ये जो देख रहे हैं आपको जो व्हील मिलता है वो मिलता है 16 इंचेस का। ये आप देख सकते हैं टायर प्रोफाइल की बात करते हैं 215/60R16 आपको टायर प्रोफाइल इसके अंदर मिलने वाली है। और ये जो आप देख रहे हैं ये अलॉय व्हील नहीं है, ये मतलब लुक लाइक है, स्टील व्हील है, अलॉय लुक लाइक है, ये ऊपर व्हील कवर इसके अंदर मिलने वाला है आपको। और ये देख सकते हैं आपको जो इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलने वाला है। बात करते हैं ORVM की, बॉडी कलर ORVM आपको इसके अंदर मिलेगा जो कि मैनुअल ही बंद करते हैं, और लेकिन ये एडजस्ट आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, अभी मैं कंट्रोल दिखा दूंगा। ए पिलर की बात करते हैं तो बॉडी कलर ए पिलर मिलने वाला है। डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर मिलने वाले हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लीयरेंस आपको इसके अंदर 205 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलने वाली है किया सोनेट HTK वेरिएंट के अंदर। ये आप देख रहे हैं बी पिलर आपको मैट फिनिश ब्लैक के साथ मिलता है जो कि काफी अच्छा लगता है, और सी पिलर पे आपको ये जो देख रहे हैं ब्लैक मिल जाता है पियानो फिनिश के साथ जो कि काफी अच्छा लगता है। ये आप देख रहे हैं जो फ्यूल टैंक है 45 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट आपको वेंटिलेटेड डिस्क इसके अंदर मिल जाते हैं बट रियर आपको इसके अंदर ड्रम मिलते हैं, ये आप देख ही सकते हैं इसके अंदर। बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह मिलने वाली है। काफी अच्छा लुक है किया सोनेट का, जब भी तो मार्केट में इतनी बिक रही है ये। और ये देख सकते हैं आपको माइक्रो एंटीना इसके अंदर मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिलता है ESS फीचर के साथ। रियर वाइपर वॉशर इसके अंदर मिसिंग रहेगा, हेलोजन का ही टेल लैंप आपको इसके अंदर मिलेगा, और ये जो इंडिकेटर है या रिवर्स लाइट है ये भी हेलोजन की है। सोनेट की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है और किया की बैजिंग आपको बीच में मिलेगी। कैमरा मिसिंग है, कैमरा नहीं आता सेकंड मॉडल के अंदर बट इसके अंदर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, दो सेंसर मिलते हैं पीछे की तरफ किया सोनेट के अंदर। रिफ्लेक्टर कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और हाँ आपको स्किड प्लेट भी सिल्वर कलर की मिल जाती है इसके अंदर। बात कर लेते हैं बूट की, तो बूट आप देख सकते हैं इसके अंदर 392 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर मिलेगा, और पार्सल ट्रे नहीं मिलती बट पार्सल ट्रे लगाने के लिए हुक मिल जाते हैं। सेल्टोस के अंदर तो खैर वो भी नहीं मिलते, एटलीस्ट सोनेट के अंदर वो मिल जाते हैं। ये जो आप सीट देख रहे हैं ये पूरी फ्लैट आगे की तरफ आप बेंड कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट इसके अंदर नहीं मिलता, इवन आपको टॉप मॉडल के अंदर भी नहीं मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं इंजन कंपार्टमेंट की। इंजन ओपन करने के लिए आपको यहां पर लीवर मिलेगा, फ्यूल के लिए यहां पर मिल जाता है, और ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये पेट्रोल वेरिएंट है। इंजन की बात करते हैं तो 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है, 1.2 लीटर का इंजन इसके अंदर आपको मिलने वाला है, और हुड इंसुलेटर इसके अंदर नहीं मिलेगा पेट्रोल होने की वजह से। बात कर लेते हैं इसकी एवरेज की, जो कि कंपनी क्लेम्ड होती है 19 के अराउंड बट मतलब आपको जो एक्चुअल फीडबैक मिलता है यूजर्स का वो मिलेगा 15-16 के अराउंड, ये कुछ रहेगा इसका। आइए बात कर लेते हैं अब कीज की। गाइज
अंदर जाने से पहले आपको कीज भी दिखा देता हूँ मैं। कीज आपको गाइस इसके अंदर दो की मिलने वाली है, दोनों ही फ्लिप की मिलेंगी कुछ इस तरह। दिखा देता हूँ आपको, लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक का इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। इस बटन को दबाएंगे तो चाबी फ्लिप हो जाएगी और अपने को चाबी यहाँ पर लगानी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ इस तरह मिलने वाला है। ये सेमी डिजिटल और सेमी एनालॉग की है जो आपको इसके अंदर मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो ये आरपीएम मीटर है, ये अपना फ्यूल के लिए है, ये हीट और कूल के लिए है, और ये आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर है अपना। बीच में आपको MID यहाँ पर भी मिल जाती है, जिसमें आपको फंक्शंस में बता देता हूँ। जैसे डोर ओपन है अपना ये वाला, तो डोर बताएगा, इंस्टेंट एवरेज इसके अंदर बताएगा, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं डिस्टेंस टू एम्प्टी इसके अंदर बताने वाला है, और ये ट्रिप ए ट्रिप बी कुछ इस तरह बताएगा। नीचे आपको ऑडोमीटर मिलता है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर के लिए भी मिल जाता है। बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड डोर की, तो ड्राइवर साइड डोर में आप देख सकते हैं कंट्रोल कुछ इस तरह मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर के कंट्रोल हैं ये, आप कुछ एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से मिरर्स को इनको। और ये देख सकते हैं चारों पावर विंडो इसके अंदर मिल जाते हैं, विंडो लॉक इसके अंदर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाएगा जो हैंडल है। आपको स्पीकर मिल जाते हैं इसके अंदर, चार स्पीकर मिलते हैं, चारों डोर के अंदर है। अभी मैं आगे के दिखा देता हूँ, तो ये आगे के स्पीकर हैं। आपको यहाँ पर बोतल होल्डर भी मिल जाता है और अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब इंटीरियर आप कुछ इस तरह देख रहे हैं, तो ब्लैक इंटीरियर मिलेगा, कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर इसके अंदर आपको मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट इंटीरियर कुछ इस तरह। तो गाइज इंटीरियर में आप सबसे पहले बात कर लेते हैं, देख सकते हैं स्टीयरिंग की, तो गोल स्टीयरिंग मिलता है। अपर वेरिएंट के अंदर आपको डी कट स्टीयरिंग मिल जाता है इसके अंदर। टिल्टेबल स्टीयरिंग है, यहां से आप अनलॉक करेंगे तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग स्टीयरिंग को टिल्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह। और बीच में किया का लोगो इसके अंदर मिल जाता है। अच्छा, सेकंड वेरिएंट से ही आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल इसके अंदर मिल जाएंगे कुछ इस तरह, आप देख ही रहे हैं। जैसे ये आप म्यूट का बटन मिल जाता है, मोड चेंज कर सकते हैं, FM ब्लूटूथ कुछ भी आप USB वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, सॉन्ग चेंज, फोन पिक करना, फोन कट करना, वो कंट्रोल मिल जाते हैं। MID कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलते हैं, जैसे ये वाले, इस MID कंट्रोल करने के लिए ये बटन है। और आपको सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर, डबल डिन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, हालांकि टच स्क्रीन नहीं मिलता। टच स्क्रीन इससे एक वेरिएंट ऊपर HTK+ के अंदर मिलता है, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह ये बटन्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। बीच में छोटी सी स्क्रीन, इन्फॉर्मेटिव स्क्रीन इसके अंदर मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम वगैरह के लिए। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं तो इसके अंदर मैनुअल AC कंट्रोल मिल जाते हैं कुछ इस तरह, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे स्पेस मिल जाता है आपको कुछ इस तरह, यहाँ पे फोन वगैरह रख सकते हो। आपको यहाँ पर 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है, USB इसके अंदर यहाँ पर बीच में मिलेगा। आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है जो कि काफी अच्छा चार्ज करता है, मैं यूज कर चुका हूँ तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ये आप पेट्रोल होने के कारण यहाँ पर आपको 5 front 1 reverse इसके अंदर मिल जाते हैं, मतलब, और डीजल में आपको 6 front 1 reverse इसके अंदर मिलता है। और यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, बीच में कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। हैंड रेस्ट मिल जाता है आपको, स्लाइड नहीं होता, ये फिक्स है। ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे कुछ भी पर्स वगैरह या कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, सीट की बात करें तो गाइज सीट नॉ मतलब ये जो देख रहे हैं ये मिक्स फैब्रिक है, ये सेमी लेदराइट सीट आती हैं। जैसे यहाँ पे आपको बीच में तो फैब्रिक मिलता है, ग्रे कलर का फैब्रिक है, और साइड में आपको लेदराइट मिल जाता है यहाँ पर। और स्टिचिंग आप देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर की स्टिचिंग इसके अंदर मिल जाती है। डैशबोर्ड आपको हार्ड प्लास्टिक का मिलेगा, ऑल द ब्लैक मिलेगा कंप्लीट। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है कुछ इस तरह का। माइक्रो एंटीना जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर रखा हुआ है। आपको ये बुकलेट मिल जाती है जिसे कोई पढ़ता नहीं है, पुस्तकें कोई नहीं पढ़ता इनको। यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती है, केबल लाइट्स पीछे की तरफ भी है, यहीं से कंट्रोल हो जाती है, यहाँ से इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं। सनग्लास होल्डर यहाँ पे आपको मिलेगा, और डे नाइट IRVM भी यहाँ पर मिलने वाला है। को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ड्राइवर साइड आपको कुछ नहीं, पर पॉकेट होल्डर इसके अंदर मिलता है।
पॉकेट होल्डर मिल जाता है ड्राइवर साइड इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं गाइज पैसेंजर पीछे पीछे की कितना स्पेस मिलता है, सबसे बड़ा मुद्दा वो भी होता है। हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे ड्राइवर सीट आप देख रहे हैं तो ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है और इसी वेरिएंट से स्टार्ट होती है, आप इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं, खाली ड्राइवर सीट की ही आती है इसके अंदर। अब ये आप देख सकते हो पीछे कुछ स्पेस इस तरह का मिलने वाला है आपको रियर पैसेंजर्स के लिए। बात करते हैं कुछ डोर पे कंट्रोल्स की, तो विंडो कंट्रोल आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ये भी यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलेगा, मैंने बताया ही था आपको। चारों डोर के ऊपर स्पीकर मिलते हैं तो पीछे आपको स्पीकर यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं स्पेस की, तो भाई स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है मुझे भी यहाँ पर, थाई सपोर्ट मिल जाता है ठीक ठाक, मेरी हाइट 5'7" है तो मुझे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है मेरी हाइट के बंदे को। अब पीछे पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, चार्जर मिल जाता है फास्ट चार्जर, स्पेस मिल जाता है अलग से फ़ोन वगैरह चार्जिंग करते हुए रखने के लिए। आगे के आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं दोनों, आपको पीछे लाइट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल्स आपको फिक्स मिलते हैं, मतलब फ्लिप वाले नहीं मिलते आपको, और पीछे की तरफ जो आपको हेडरेस्ट मिल रहे हैं वो फिक्स मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते, कोई हैंड रेस्ट नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको पीछे की तरफ, खाली आगे मिलता है। अब बात कर लेते हैं गाइज मेन मुद्दे की, प्राइजिंग कितने की पड़ने वाली है। तो गाइज प्राइस अपनी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल और डीजल दोनों के प्राइस है, मैनुअल में ही आती है, ऑटोमेटिक इसके अंदर नहीं आती, ऑटोमेटिक अपर वेरियंट्स में आती है। तो गाइज ये थी एक वीडियो किया सोनेट HT के वेरिएंट के बारे में, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर गाइज।